जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2022 में FSSAI डिपार्टमेंट में या फिर रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसका पूरा नाम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसका पूरा फुल फॉर्म है यहाँ पे। इसमें ये वैकेंसी निकली हुई है फूड डिपार्टमेंट में, जो वैकेंसी है 4 तरह पर मेनली यहाँ पे वैकेंसी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी असिस्टेंट, इसके अलावा इंस्पेक्टर और क्लर्क वाली ये पोस्ट निकली हुई है। पदों की संख्या के बारे में बात करें तो 9421 बंपर वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ग्रेजुएशन से लेकर 10th क्लास तक अगर हमने कुछ भी रखा तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन वाला सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो में आप बने रहिए, पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। ऑल ओवर इंडिया ये जॉब है, मेल फीमेल कोई भी हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बात करते हैं यहाँ पे FSSAI यानी कि ये डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि मानक प्राधिकरण है ये। फूड सेफ्टी जो भी आपकी मतलब फूड आइटम्स होते हैं उन पर एक तरीके से ये होल मार्क देता है, आपने देखा होगा ISI मार्क है, ये सारे सब कुछ मार्क्स देता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एक स्थापित करता है, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट जो निकली हुई है वो 4 तरह की पोस्ट पे निकली हुई है, फूड सेफ्टी असिस्टेंट, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क और हेल्पर PA PA1। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में तो आप देख सकते हो यहाँ पे बम्पर वैकेंसी है ये, एक तरीके से क्लर्क और हेल्पर दोनों की मिला के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7,500 के आसपास। इसके अलावा अदर वैकेंसीज इंस्पेक्टर और सेफ्टी असिस्टेंट की भी यहाँ पे इसमें डाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा नीचे मैं स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ इसकी टाइम मतलब डेट बता देता हूँ, सबसे पहले आप वो जानना जरूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फीस में लिखा हुआ है सब सब लास्ट डेट 27/9/2022, तो ये ध्यान रखना डेट का 27/9/2022 आपकी डेट है। इसके अलावा यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो आप देख सकते हो, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए ऑफिसर के लिए, वहीं इंस्पेक्टर के लिए भी बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है, कोई इसमें अलग से स्ट्रीम नहीं है। तो आपने अगर सिंपल सा ग्रेजुएशन कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने अनिवार्य है, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट की बात करूँ 12th क्लास पास होना चाहिए, क्लर्क यहाँ पे 12th क्लास पास, वहीं हेल्पर या PO यहाँ पे 10th क्लास पास आपका होना अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, नीचे दे रखा है लिंक वहाँ पे जाके। इसके अलावा पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है और ऑनलाइन माध्यम से आपको भुगतान करना है फीस का। 1/1/2022 तक आपकी डेट यहाँ पे एज लिमिट है वो पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे अपलोड आपको करना है। 250 रुपये फीस के साथ में SC ST को कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, उन फीमेल भी यहाँ पे फीस से माफ़ रखा गया है फीमेल कैंडिडेट को। इसके अलावा कोलेटर्स वो सारे सब कुछ जानकारी है नीचे दी गई है वो देख सकते हो आप, नीचे लिंक दे रखा है वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।